प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश को लेकर नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने रीवा, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभागों के जिलों के अलावा अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चंबल नदी का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया है। शिवपुरी, दतिया, भिंड और श्योपुर में बुधवार गुरुवार की रात से बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज से छोड़े गए 12,000 क्यूसेक पानी और बारिश के असर से मुरैना में राजघाट पर चंबल का जलस्तर 4 मीटर बढ़ गया है। यहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 11.5 मीटर नीचे है। शिवपुर में पार्वती और अमराल नदी उफान पर है। शिवपुर से कोटा हाईवे बंद हो गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ इंदौर, भोपाल में भी तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। पूरे प्रदेश में मॉनसून एक्टिव रहेगा। अगले कुछ दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं रीवा, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग में बिजली गिरने और चमकने के लिए अलर्ट जारी किया गया। 22 जुलाई तक भोपाल, इंदौर और जबलपुर में गरज चमक साथ हल्की बारिश हो सकती है। बिल्कुल, मैं HS पांडे, मौसम वैज्ञानिक। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के शहडोल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल एवं ग्वालियर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के जो प्रमुख आंकड़े हैं तो ये अमरकंटक, विदिशा, पचमढ़ी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अमानगंज, पन्ना जिले में, वहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर वर्षा है। कुंभराजगढ़, गुना डिस्ट्रिक्ट में 6 सेंटीमीटर। आरोन, चाचौड़ा, सिवनी, अमरपाटन, गुनौर, बीना 5 सेंटीमीटर। तो वर्षा दर्ज की गई है। मुख्यतः जो है वह ज़्यादा हैवी रेन नॉर्थ ईस्ट MP के क्षेत्र में हुई है। अभी फिलहाल आगे आने वाले समय की बात करें तो जो मानसून ट्रफ है वो गंगानगर, ग्वालियर, सीधी, अंबिकापुर होते हुए, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है और नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी हाइट 5.8 किलोमीटर तक है। तो आने वाले समय में ग्वालियर, चंबल संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही और जो जिले हैं जहाँ पे भारी वर्षा की संभावना है, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले, यहाँ पे कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल शेष संभागों के जिलों में छुटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। हल्के से मध्यम कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड होगी। भोपाल शहर में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिन का जो तापमान है, धूप न खिली होने के कारण 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।